हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जेई एडवांस 2024 पेपर 1। द बेस्ट आंसर इज 12 या 13। तो एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है, तो सबसे पहली बात है कि एज ए स्टूडेंट जो आपने एग्ज़ाम दिया है, तो इसका आंसर आपने क्या मेंशन किया है? आप चैट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा क्या आपने 12 दिया है कि 13 दिया है। लेकिन अगर आपने अपने टीचर के साथ डिस्कस किया होगा ना, तो आपके टीचर्स ने कुछ टीचर्स ने ज़रूर कहा होगा कि आंसर इसका 12 है, कुछ ने कहा होगा कि आंसर इसका 13 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दिमाग में जब मेरा डिस्कशन बहुत सारे टीचर्स के साथ हुआ, तो हमने ये पाया कि ये जो इसका आंसर है 12 और 13, मतलब अगर हर जगह देखो तो आई थिंक मैंने बहुत सारे आंसर्स तो नहीं देखे लोगों के, बट मोस्ट प्रोबेबल आंसर इस 12 में हर जगह देख रहा हूँ। 13 दिमाग में लोगों के आ रहा है कि 13 हो सकता है। ठीक है, तो बट आज मैं इस पे पूरा क्लियर करने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। ठीक है, दूसरा इसका आंसर 12 सही है या 13 सही है, या जेई एडवांस को कैसे इसका आंसर रखना चाहिए, अगर थोड़ी बहुत एम्बिग्विटी है तो फिर उसको कैसे आंसर करना चाहिए और क्या करना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपने एग्ज़ाम में क्या आंसर मार्क किया है, आप प्लीज़ जरूर चैट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, और आज मैं आपके सामने ये क्वेश्चन को रख रहा हूँ और इसकी एनालिसिस भी रखूँगा। हालांकि ये क्वेश्चन एटीजे एडवांस ने पूछा है, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मतलब ईजी है, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे इसको। हाँ, लेकिन इसके जो तो दूसरे पार्ट्स होता ना, अगर एक कंप्रिहेंशन में आता और इसके कुछ और पार्ट्स पूछता, जैसे कि एक्सिस का रिएक्शन फोर्सेस कितने हैं और भी सारी चीज़ें, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता। बट ठीक है, चूंकि जो एडवांस है वो सब चीज़ें नहीं पूछी हैं, तो हम उस पर भी डिस्कस नहीं करेंगे, बट जो उन्होंने पूछी है हम उस पर डिस्कस करेंगे। और हमारा जो आंसर है 12 एंड 13, इसके विषय में एक बार एनालिसिस करते हैं प्रॉपरली। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन है वो ये है, और ये क्वेश्चन कहाँ से कॉपी हुआ है, ये एक्चुअल में दो जगह है वहाँ से कॉपी हुआ है। द फर्स्ट इज दिस वन, ये तो पूरा पूरा क्वेश्चन ही यही है, हल्का सा चेंज है वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। और अगला जो कॉपी का कंडीशन है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आईटी गुवाहाटी का ये पेपर है, और उसमें ये क्वेश्चन ये है जहाँ से उन्होंने कॉपी किया है। तो आईटी वालों ने इन दो जगहों से कॉपी किया है, या यूं कहूँ तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ऐसे क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, और उन्होंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चन को पुट अप पुट कर दिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले, और उसके बाद हम प्रॉपरली एनालिसिस करेंगे कि इसका प्रॉपर आंसर्स क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। तो देखिए, और इन तीनों क्वेश्चन को एक बार कंपेयर कराएंगे कि कौन क्या पूछ रहा है एक्चुअल में, और आईटी जेई एडवांस को क्या आंसर्स करना चाहिए। तो पहले तो मैं आंसर बता ही दूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, जब मैंने इस पूरे क्वेश्चन को प्रॉपरली देखा, तो मुझे लगा कि इसका जो एक्चुअल आंसर है दैट शुड बी 12, जो करेक्ट होना चाहिए। बट 13 किस केस में आ सकता है उस पर हम बात करेंगे, बट वो रेयर है कि किसी बच्चे ने गलती से कुछ सोच लिया तो आंसर 13 आ गया, अदरवाइज 13 नहीं होगा। बट आईटीजे एडवांस दे अगर देता है 13, तब तो कन्फर्म है कि आपको उसको चैलेंज करना पड़ेगा। पढ़ते हैं, कह रहा है डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस आर इज फ्री टू रोटेट अबाउट इस वर्टिकल एक्सिस। मैं क्वेश्चन सॉल्व पहले नहीं करूंगा, पहले तो आंसर पे ही, क्योंकि ऑलरेडी आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, और इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी खास नहीं है। ठीक है, कि मैं शुरू में इसको प्रॉपरली सॉल्व करके दिखाऊं कि देखो इसको कैसे सॉल्व करता है। तो अ डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस आर इज फ्री टू रोटेट अबाउट वर्टिकल एक्सिस एज शो इन द फिगर। अ बैटरी ऑपरेटेड, ये बहुत अच्छी लाइन है, अ बैटरी ऑपरेटेड मोटर ऑफ नेग्लिजिबल मास इज फिक्स टू द डिस्क एट अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। ये जो सर्कमफ्रेंस है इसके एक पॉइंट पे नीचे, मतलब इस डिस्क और इस डिस्क के बीच में एक मोटर फिटेड है, और ये मोटर इस तरीके से फिटेड होगा, दिस इज द मोटर, ये मोटर है जो कि फिटेड है जहाँ से उन्होंने इस क्वेश्चन को कॉपी किया, ये मोटर है। अनदर डिस्क ऑफ सेम मास एम एंड रेडियस r/2, इसका मास एम है रेडियस आर, इसका मास एम रेडियस r/2 इज फिक्स टू द मोटर थिन सॉफ्ट। थिन सॉफ्ट, देखिए ये जो डिस्क है वो, ये जो सॉफ्ट है ये मोटर है पूरा,
इस मोटर का ये शाफ्ट है और इस शाफ्ट पे ये डिस्क को रखा गया। इनिशियली बोथ डिस्क आर एट रेस्ट, ई वी रेस्ट में द मोटर इज स्विच्ड ऑन। मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि मोटर को स्विच ऑन किया गया सो दैट स्मॉलर डिस्क रोटेट इन यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, द स्मॉलर डिस्क रोटेट विथ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा। इफ द एंगुलर स्पीड एट विच द लार्जर डिस्क रोटेट इज ओमेगा अपॉन एन, देन द वैल्यू ऑफ एन इज। कह रहा है कि अगर इस डिस्क की एंगुलर स्पीड ओमेगा है तो बताइए इस बड़े डिस्क की एंगुलर स्पीड अगर ओमेगा अपान एन है तो एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो लाइन है ना स्मॉलर डिस्क रोटेट एट एंगुलर स्पीड ओमेगा, इस ओमेगा को आपने क्या माना? ये जो मोटर है जो इस डायग्राम में दिख रहा है, अगर मैं इस डायग्राम को कॉपी कर लूं और इसी को ये कॉपी, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, मतलब क्वेश्चन में ये जो ओमेगा लिखा गया ना इसमें वापिस आते हैं और इस क्वेश्चन पे एक बार पढ़ ले, एक ही साथ दोनों क्लियर कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि अब 4 kg यूनिफॉर्म डिस्क बी, ये डिस्क बी है 4 kg का है, अटैच टू द शाफ्ट ऑफ अ मोटर माउंटेड ऑन अ प्लेटे। ये जो प्लेट है ना ये भी एक डिस्क है, इस पे एक मोटर, उसके शाफ्ट पे डिस्क भी अटैच है, विच कैन रोटेट फ्रीली अबाउट द वर्टिकल शाफ्ट सी। ये वर्टिकल शाफ्ट सी है, ये वर्टिकल शाफ्ट है, ये सी है, इसके अबाउट ये जो बड़ा वाला डिस्क है वो फ्रीली घूम सकता है। द मोटर प्लेट शाफ्ट यूनिट हैज द मोमेंट ऑफ इनर्सिया 0.2 kg पर मीटर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। द मोटर इज स्टार्टेड व्हेन द सिस्टम इज एट रेस्ट। ये मोटर स्टार्ट होता है जब ये दोनों रेस्ट में, एकदम सेम क्वेश्चन है, दोनों रेस्ट में। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क एंड द प्लेट आफ्टर द मोटर हैज अटेंड अ नॉर्मल ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ 360 rpm। तो कह रहा है कि ये भी रेस्ट पे है, ये भी इनिशियली रेस्ट पे, अब ये मोटर जब रोटेट करना शुरू कर दिया, ये जब मोटर ने अपने सॉफ्ट को रोटेट करना शुरू कर दिया और इस स्पीड को अटेंड कराया, तो उस समय बताइए कि इस डिस्क की एंगुलर स्पीड कितनी होगी। अब सब कुछ यहीं पे क्लियर है, ठीक है, अब क्लियर यहीं पे है। अब कोई ये कहे कि इस डिस्क की एंगुलर स्पीड इस मोटर के सॉफ्ट के एंगुलर की स्पीड के बराबर है, तो इस मोटर के सॉफ्ट की एंगुलर स्पीड तो 360 rpm है, 360 rpm है। इसका मतलब कि अगर किसी ने ऐसा सोच लिया कि इस डिस्क की एंगुलर स्पीड इस मोटर के सॉफ्ट के एंगुलर स्पीड बराबर है, क्योंकि मोटर का सॉफ्ट ऐसे घूम रहा होगा, तो मोटर की सॉफ्ट की जो एंगुलर स्पीड है अगर वो 360 है तो इस डिस्क की भी 360 होगा, किसी ने मान लिया तो फिर वो गलत मान रहा, एक्चुअल में तो फिर इस क्वेश्चन कितना देने का क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं। दैट मीन्स इस डिस्क की एंगुलर स्पीड उन्हें पूछी है तो क्या पूछी है, वो ग्राउंड फ्रेम में पूछी है, मतलब वो इस तरीके से पूछी है कि इस डिस्क की जो एंगुलर स्पीड होगी, एंगुलर स्पीड ऑफ स्मॉलर डिस्क SD विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी एंगुलर स्पीड ऑफ स्मॉलर डिस्क विथ रिस्पेक्ट टू मोटर एंड मोटर इस डिस्क पे है, बड़े वाले डिस्क पे है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ज्यादा बेटर वर्ड है, कि एंगुलर स्पीड ऑफ स्मॉलर डिस्क विथ रिस्पेक्ट टू बिगर डिस्क, बड़ा डिस्क या यूं कहो तो मोटर, या मोटर प्लस एंगुलर स्पीड ऑफ मोटर आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा। तो और मोटर, ये जो मोटर का जो बेस है उसकी एंगुलर स्पीड इस बड़े वाले डिस्क के बराबर है, और ये जो है SD विथ रिस्पेक्ट टू मोटर, मतलब इस छोटे वाले डिस्क की इस मोटर के रिस्पेक्ट में एंगुलर स्पीड मोटर का जो सॉफ्ट है वो जिससे घूम रहा है उसके बराबर है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए आपको ये जो डेटा दिया गया ना, दिस डेटा इज नथिंग बट इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा इट इज 360 rpm, rpm है तो इसको पर सेकेंड में निकाल सकते हैं, rpm में रह दीजिए, बाद में हम rpm में निकाल लेंगे इसका।
फिर आपको ये निकालना पड़ेगा मोटर की एंगुलर स्पीड कितनी है। अगर ये निकल गया तो दोनों को वेक्टर लिए ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब ये जो है वो बड़े वाले डिस्क की है, तो बड़े वाले डिस्क की एंगुलर स्पीड निकालने के लिए आपको इस एक्सिस अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दीजिए, आंसर दे देगा। क्यों? वो इसलिए दे देगा क्योंकि इसकी एक्सिस फ्री है, फ्रिक्शन लेस है, एक्सिस फ्रिक्शन लेस है, तो इस एक्सिस से अलॉन्ग कोई भी टॉर्क डेवलप ही नहीं हो रहा क्योंकि इस डिस्क का एम जी इस एक्सिस के पैरल है, इस डिस्क का एम जी इस एक्सिस के पैरल है, ये डिस्क इस एक्सिस पे जो फोर्स लगा रही है वो एक्सिस से ही पास कर रही है, और ये मोटर इस डिस्क पे जो फोर्स लगा रहा है और ये डिस्क इस मोटर पे जो टॉर्क लगा रहा है या ये इस पे जो टॉर्क लगा रहा है वो इंटरनल टॉर्क जीरो दे रहा है। ठीक है, तो इस सिस्टम का जो नेट टॉर्क है इस एक्सिस के अलॉन्ग जीरो है, इसलिए इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। द सेम, गॉट इट माई पॉइंट ना? तो हम एंगुलर मोमेंटम एक्सिस के अलॉन्ग लगाएंगे रदर देन किसी पॉइंट के अबाउट लगाने से, क्योंकि पॉइंट के अबाउट लगाएंगे तो हमें सोचना चाहिए कि कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क, और पॉइंट के अबाउट टॉर्क के विषय में फिर एम जी का भी टॉर्क आ सकता है, तो पॉइंट के अबाउट टॉर्क अगर लिखना है तो थोड़ा सा सोचेंगे, बट एक्सिस अलॉन्ग लिखने में तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है, एकदम सिंपल सी है, क्योंकि एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्सेस दिख रही हैं एक्सटर्नल वो पैरल है या एक्सिस से पास कर रही है इसलिए टॉर्क जीरो है, और जो मोटर डिस्क पर लगा रहा है और डिस्क जो मोटर पर लगा रहा है वो इंटरनल टॉर्क्स हैं जिनका सम जीरो आएगा। दैट मीन्स द नेट टॉर्क अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ बिगर डिस्क इज जीरो, हेंस एंगुलर मोमेंटम अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ बिगर डिस्क विल बी कंजर्व। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे फिर आपको ओमेगा एम आ जाएगा, ओमेगा एम आ गया तो इस 360 में ओमेगा एम को आप ऐड कर देंगे, आपका स्मॉलर डिस्क का एंगुलर स्पीड आ जाएगी जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। व्हाट इट माई पॉइंट? ओके, नाउ अगर ऐसा है तो उन्होंने इस डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी पूछी है ना ग्राउंड फ्रेम में, देखिए फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क, मतलब उन्होंने ये पूछी है। इसका मतलब अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा लिया दिया गया हो कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क इज दिस वन, तो आप ये बोलोगे कि आप ये बोलोगे, आपको ये बोलना चाहिए। ठीक है, वन सेकेंड, आपको ये बोलना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने लिखी है द स्मॉलर डिस्क रोटेटेड यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो क्या लिखी है? क्या उसने डिस्क की एंगुलर स्पीड मोटर के सॉफ्ट के फ्रेम में लिखी है? नो, नहीं लिखी है। उन्होंने सिंपल लिखी है एंगुलर स्पीड ऑफ डिस्क इज ओमेगा, तो दैट मीन्स वो डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में लिखी है। ठीक है, हाँ सॉफ्ट, अगर उन्होंने ये लिखा होता है कि यहाँ पे जो सॉफ्ट लगा हुआ है, जो मोटर लगा हुआ है, उस मोटर के सॉफ्ट की एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तब तो 100% श्योर कि इस क्वेश्चन का आंसर 13 आता। तब उसका मतलब है कि जो डिस्क है वो मोटर के सॉफ्ट के फ्रेम में, सॉफ्ट के साथ घूम रही है, तो उस डिस्क की स्पीड मोटर के फ्रेम में ओमेगा है, बट उन्होंने लिखा बिल्कुल नहीं ऐसा। उन्होंने बस लिखी है कि स्मॉलर डिस्क रोटेट विद द यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा, दैट मीन्स दिस इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इसमें कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, आई थिंक नहीं होनी चाहिए, वो आपको यहाँ से क्लियर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अगर इतना समझ में आ गया तो आज का जो क्वेश्चन, आप इसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूँ और आंसर निकालता हूँ और एक बार फिर उस पर भी, बट इतना तो आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी इशूज नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रॉपरली मेंशंस है कि डिस्क की एंगुलर स्पीड ग्राउंड फ्रेम में दी गई है, और ग्राउंड फ्रेम में है तो इसका आंसर 12 भी होना चाहिए। ठीक है, 13 और 12 भी होना चाहिए, जो प्रॉपरली सॉल्व करके अभी 12 आएगा। ठीक है, और इसको बोलना कि ये एंगुलर स्पीड इस मोटर के फ्रेम में है, ठीक है, या मोटर की सॉफ्ट की स्पीड, सॉफ्ट की आरपीएम है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो क्वेश्चन मेंशन करता। अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता कि इस मोटर की जो स्पीड है, जैसे इन्होंने लिखी है मोटर अटेंड द नॉर्मल ऑपरेटिंग स्पीड, अगर ऐसा उन्होंने क्वेश्चन लिखी होती कि मोटर की एंगुलर स्पीड ओमेगा है, ठीक है, तो हम जरूर कहते कि इस डिस्क की एंगुलर स्पीड ग्राउंड फ्रेम में कुछ और होगी, क्योंकि उसमें इसका भी वेक्टोरियल एडिशन करना पड़ेगा। ओके नाउ, तो जैसा क्वेश्चन है इसके हिसाब से पहले हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। तो जो करेक्ट है, ठीक है, और जिसको मैक्सिमम मोस्ट करेक्ट क्या मतलब, इसको करेक्ट बोलो, मोस्ट करेक्ट तो कोई वर्ड नहीं होता है, करेक्ट ही बोलो, मोस्ट करेक्ट, या यू कहूं तो जो करेक्ट है, करेक्ट करेक्ट वो है कि ओमेगा डिस्क का है, यूज करते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, तो पहले मैं आंसर निकाल लूं, फिर मैं एक बार 13 पे वापिस आऊंगा कि वो टर्म्स कैसे आ जाएगा। तो ये एक डिस्क था ऐसा,
और यहाँ पे आपका एक स्मॉलर डिस्क है छोटा सा, इसका मास सेम रेडियस आर, इसका भी मास सेम एंड रेडियस इज आर बाई टू। अगर मैं कहूँ कि इस डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ठीक है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी, और ये ऑब्वियस है कि अगर ये डिस्क ऐसे घूम रहा है तो ये उल्टा घूमेगा, बट स्टिल अगर मैंने इसको सेमी सेंस से मान लें तो भी कोई इशू नहीं है, मैथ उसको एडजस्ट कर देता है। तो अगर इसका ओमेगा किसी ने मान लिया तो इसको मैंने ओमेगा वन मान लिया, दोनों को मैंने सेम सेंस से मान लिया। अगर मैं इसको टॉप ऊपर से देखने की कोशिश करूंगा ना तो मुझे ऐसा दिखेगा, ये डिस्क ऐसा दिखेगा और ये डिस्क भी ऐसा दिखेगा। तो अगर इसको मैं बनाऊँ तो ऊपर से देखने के बाद मैं डायग्राम बना रहा हूँ, देखिए, तो मैं इस डिजिटल बोर्ड का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इसका फ़ायदा यही है कि हम खूब आराम से डायग्राम बना सकते हैं, और ये है फिल कलर दिस वन, और एक और हम कॉपी कर ले इसको, कॉपी, कॉपी नहीं हुआ, कॉपी ये, और एक और हम छोटा सा बनाते हैं डिस्क इस तरीके से। अच्छा इतनी चीज़ें कहाँ से आ गई, इतना हमने कब बना लिया था, ये कलर मैं चेंज कर लूँ वाइट। अब आ जाइए, देखिए ये छोटा डिस्क है, ये बड़ा डिस्क था, तो अगर मैं इसको, अगर मैं इसका एंगुलर स्पीड ऐसे मानता हूँ कि ये ऐसे घूम रहा मान लो, या ऐसे मान लो क्लॉकवाइज मान लो, अगर ओमेगा से घूम रहा है तो इसकी एंगुलर स्पीड अगर मैंने ऐसे मान ली तो भी कोई इशू नहीं है, मैथ इसको एडजस्ट कर देगा, मैथ इसको एडजस्ट करेगा। तो ये ओमेगा है, बट ये ओमेगा ग्राउंड फ्रेम में है और ये ओमेगा वन भी ग्राउंड फ्रेम में है। तो इस एक्सिस के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था, जीरो था। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में इक्वेशन यूज़ करने जा रहा हूँ, ए एम सी। तो जब आप ए एम सी यूज़ करेंगे इसका, तो इसका एंगुलर मोमेंटम जीरो, इसका भी जीरो बनेगा क्योंकि दोनों रेस्ट पे थे। तो इसका कितना आएगा, इसका जो एंगुलर मोमेंटम आएगा दिस इज एम आर स्क्वायर बाई टू आई इंस टू ओमेगा वन, ओमेगा वन मैंने इस सेंस को पॉजिटिव मान लिया, प्लस अब आपको इसका लिखना है। अब इसका एंगुलर मोमेंटम अगर इसके अबाउट लिखना है तो ये डिस्क, अब ये जो पॉइंट है ना इसके लिए एक तरह से अगर इसका लिखना है तो ये कंबाइंड मोशन है, कंबाइंड मोशन का एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर आप एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं तो उसको लिखना चाहिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एम आर सी एम क्रॉस बी सी एम। ये आपको पढ़ाया जाता होगा, इट इज ऑलवेज वैलिड टू राइट एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो मैंने इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम मुझे इसके अबाउट लिखना है, ठीक है, तो मैं इसका पहले इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखूंगा और फिर पैरेलैक्सिस थ्योरम के साथ, मतलब फिर ये लिख देंगे हम लोग क्वेश्चन। और यहाँ पे मैं सीधे आई इंटू ओमेगा इसके अबाउट नहीं लिख सकते, इसके अबाउट नेट आई नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये इसके लिए एक तरह से आई आर की तरह से काम नहीं कर रहा है, या दूसरा यूं कहूँ, ठीक है, कि ये पॉइंट इस रिजिड बॉडी का एक्सटेंडेड पार्ट नहीं है, मतलब रिजिड बॉडी इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन में ही, अगर होता तो मैं सीधे आई ओमेगा से भी काम चला सकता था, ठीक है। तो जब ये डिस्क इसके अबाउट प्योर रोटेशन में नहीं है तो बेटर है कि हम ये यूज़ करें। एक और बात, जब भी आप कंफ्यूज होना किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कि आपको लगे, ठीक है, कि एंगुलर मोमेंटम लिखने में क्या लिखे हैं, आई ओमेगा लिखे कुछ और लिखे हैं, तो कन्फ्यूजन हो तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस वन, ये सारे कन्फ्यूजन को रिजॉल्व कर देगा। ओके, तो इस डिस्क की एंगुलर मोमेंटम मुझे इस पॉइंट के अबाउट लिखना है, तो पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट बनेगा आई सी ओमेगा, ठीक है, और इस एक्सिस कोऑर्डिनेट एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं, तो इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस कोऑर्डिनेट एंगुलर मोमेंटम बनेगा आई सी ओमेगा, और आई सी ओमेगा बनेगा आपका ये डिस्क है मास एम का एंड रेडियस इसका आर बाई टू है। तो हम इसको लिखेंगे एम
आर बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन टू, तो 1/2 एम आर स्क्वायर बाई टू इज टू ओमेगा, इसको मैंने लिख लिया। तो आई सी ओमेगा इसका, और इसका लिख लिया आई सी ओमेगा प्लस एम बाई टू मास स्क्वायर बाई टू एम आर सी एम क्रॉस बी सी एम, और इसके जो सेंटर की वेलोसिटी होगी, इसका सेंटर इसके पेरीफेरी पे है, तो पेरीफेरी पे है तो इसकी जो वेलोसिटी आएगी आपको आर ओमेगा वेलोसिटी बनेगी, क्योंकि ये डिस्टेंस आर है और ये पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है इस पॉइंट के चारों तरफ इसका सेंटर, तो सर्कुलर मोशन का वेलोसिटी क्या होगी आर ओमेगा, तो इसकी वेलोसिटी लिखेंगे आर ओमेगा। आर में ये दूरी लिखेंगे और ओमेगा आप इसका लिखेंगे ओमेगा वन, क्यों, क्योंकि डिस्क का छोटे वाले डिस्क का जो सेंटर है वो इस पेरीफेरी पे लगे मोटर पर अटैच है, और वो मोटर जो है वो जिस स्पीड से भागेगा इसका सेंटर भी उसी स्पीड से भागेगा, और इस सेंटर की वेलोसिटी आर ओमेगा है तो उस मोटर की भी आर ओमेगा है, तो इस डिस्क के सेंटर की भी आर ओमेगा वन रहेगा, आर ओमेगा वन रहेगा, ओमेगा वन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना, क्योंकि सेंटर की एंगुलर स्पीड ओमेगा वन है जबकि इस डिस्क की एंगुलर स्पीड ओमेगा है। ओके तो आप लिखेंगे एम बाई टू आर सी एम की जगह पर क्या लिखेंगे आर, आर लिखेंगे सेंटर की दूरी आर इंटू बी सी एम क्या है आर वन ओमेगा है, तो आप इसको लिखेंगे आर वन ओमेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा, तो ये बनेगा जीरो बराबर एम आर स्क्वायर टर्म कट जाएंगे, यहाँ से बनेगा ओमेगा वन बाई टू और ये आएगा ये, तो आई थिंक ये बन जाएगा ओमेगा वन, इसमें एम आर स्क्वायर बाई टू इंस टू ओमेगा वन इसका लिख लिया और एम बाई टू इतना, इसमें ओमेगा वन को आना था, जस्ट एक सेकेंड बार कैलकुलेशन चेक करिए। ओके तो ये जीरो था, एक हमने कैलकुलेशन मिस्टेक की थी, वो मिस्टेक यहाँ पे है कि इसका मास एम है ना, तो ये बनेगा एम आर सी एम बी सी एम, तो ये वाला जो एम आएगा वो बस इतना रहेगा, तो ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये वन बाई टू और ये वन, तो ये बनेगा थ्री बाई टू और यहाँ से बनेगा आपका ओमेगा अपान और दो दुनी चार दुनी आठ ये बनेगा, और इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो आपको ओमेगा वन की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा वन इज माइनस ओमेगा बाई ट्वेल्व, तो माइनस साइन बता रहा है कि ये ओमेगा ऐसे होगा, इसका ओमेगा उल्टा होगा, तो जो हमारा ओमेगा वन बनेगा कायदे से इसका ओमेगा वन का जो मॉड आएगा मॉड इट इज नथिंग बट ओमेगा अपान ट्वेल्व, और उन्होंने कहा है कि ओमेगा अपान एन है तो एन इज वॉट एन इज ट्वेल्व, तो ये मोस्ट मोस्ट क्या एक्चुअल में करेक्ट आंसर इज ट्वेल्व, करेक्ट आंसर इज ट्वेल्व, तो ये आंसर आपका 12 बन गया और दिस इज करेक्ट आंसर। लेकिन अब हम बात करते हैं, ठीक है, कि अगर किसी बच्चे ने ये सोच लिया कि ये जो ओमेगा दिया गया द स्मॉलर डिस्क रोटेट एट यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा, किसी बच्चे के दिमाग में ये बात आ गई जैसे ये कि मोटर हैज अटेंड द नॉर्मल ऑपरेटिंग स्पीड इतना, मतलब ये जो मोटर है यहाँ का ये जिस ओमेगा से घूम रहा होगा, अब एक मोटर ले लो ऐसे, एक मोटर को यहाँ पर रख दो, ठीक है, ग्राउंड पे रख दो और ग्राउंड रुका हुआ है तो ग्राउंड पे रख दिया मोटर को और मोटर घुमाओ उस पर अपना डिस्क लगा दिया, तो डिस्क भी उसी ओमेगा से घूमेगा जिस ओमेगा से मोटर घूमेगा, ठीक है, डिस्क भी उसी ओमेगा से घूमेगा जिस ओमेगा से मोटर घूमेगा। बैटरी वाला मोटर नहीं देखते हो जो आप अपने 10th क्लास में या 12th क्लास में ऐसे प्रैक्टिकल करते हो, प्रोजेक्ट लोग से करवाते हैं ना आपको कि एक मोटर है, मोटर वगैरह का एक आप बनाते हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाते हो यार, वही वाला बैटरी वाला मोटर अगर आप यूज़ करते हो उस पर एक डिस्क लगा देते हो, ठीक है, और बैटरी अगर घूमने लगे बैटरी का अगर मोटर घूमने लगे तो डिस्क घूमेगी, तो डिस्क ओमेगा और मोटर ओमेगा सेम होगा, ठीक है। तो किसी बच्चे ने ये सोच लिया कि सर ये जो ओमेगा दिया हुआ है ना, ये जो ओमेगा दिया हुआ है यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा, ये तो उसी मोटर का वाला ओमेगा है, तो फिर वो आंसर गलत कर जाएगा, क्योंकि उस केस में जिस केस में आप कह रहे हो कि मोटर के सॉफ्ट की एंगुलर स्पीड और डिस्क की एंगुलर स्पीड बराबर है, ठीक है, तो एक्चुअल में सॉफ्ट की डिस्क की एंगुलर स्पीड ग्राउंड फ्रेम में पूछी जा रही है, दी गई होती है, और सॉफ्ट की खुद का आरपीएम दिया होता है, जैसे यहां देखो ना ये लाइन लिखी गई है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, वही जो मैं पहले बता रहा था, एंड द प्लेट ऑफ आफ्टर मोटर अटेंड द नॉर्मल ऑपरेटिंग स्पीड दिस वन, मोटर अटेंड नॉर्मल ऑपरेटिंग स्पीड दिस वन, ठीक है, तो ये जो नीचे का मोटर वो भी तो घूम रहा है, तो डिस्क की एंगुलर स्पीड ये मोटर के बराबर तब हम कहते कहते जब बड़ा वाला डिस्क रुका होता, तो बड़ा वाला डिस्क घूम रहा है
दैट मीन्स डिस्क की जो एंगुलर स्पीड है वो मोटर की शाफ्ट की स्पीड प्लस मोटर जिसके ऊपर है उसकी एंगुलर स्पीड के वेक्टर सम के बराबर आना चाहिए। तो उस बच्चे ने एक्चुअल में मिस्टेक कर दिया है, वो गलत तरीके से ले लिया बेसिकली इस क्वेश्चन को, ठीक है। बट उसने एक बस मिस्टेक किया कि इस डिस्क की एंगुलर स्पीड उसे मोटर के शाफ्ट की जो आरपीएम है, शाफ्ट की जो आरपीएम है, शाफ्ट की जो आरपीएम है, शाफ्ट की आरपीएम अगर मान लिया तो फिर प्रॉब्लम हो गई। ऐसा कहीं लिखा है इसमें कि शाफ्ट का आरपीएम, ऐसा वर्ड इन्होंने लिखा, शाफ्ट के आरपीएम वर्ड उन्होंने नहीं लिखा, ठीक है। तो बट बच्चे ने मान लिया तो उससे अब मिस्टेक होना है, तो मिस्टेक होगा तब वो आंसर 13 आएगा। अब देखो कैसे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में, इसी को हम दोबारा कॉपी कर लें और इक्वेशन स्कोल हम दोबारा लिख लेंगे। हम दोबारा लिख लेंगे इक्वेशन को। अब किसी बच्चे ने ये मान ली कि ये ओमेगा उसके सॉफ्ट का ओमेगा है, सॉफ्ट का ओमेगा है, तो इस डिस्क का जो ओमेगा होगा, अगर ओमेगा से ऐसे घूम रहा है और ये भी ओमेगा, दोनों सेम सेंस में, तो इसका ओमेगा हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा वन, ओमेगा प्लस ओमेगा वन हो जाएगा। हाँ भाई, इसका भी डायरेक्शन किधर है, नीचे, इसका भी डायरेक्शन नीचे, दोनों का डायरेक्शन सेम है, और ये ओमेगा रिलेटिव ओमेगा मान रहा है, इस ओमेगा को रिलेटिव ओमेगा मान रहा है, तो इसका ओमेगा ग्राउंड फ्लो में क्या आएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा वन आएगा, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हो, अब समझ गए होगे आप क्या बोल रहा हूँ, ओमेगा ऑफ डिस्क बराबर ओमेगा ऑफ डिस्क विथ रिस्पेक्ट टू मोटर एंड प्लस मोटर जिस पे है उसकी एंगुलर स्पीड, तो ये क्या है ओमेगा, बच्चे ने मान लिया, और ये ओमेगा वन है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा वन। हम लिखेंगे इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इसके अबाउट, तो उसी तरीके से जो अभी आपने इधर लिखा था एकदम सेम लिखेंगे, ठीक है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था, जीरो प्लस जीरो इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, इसका जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम बनेगा वो बनेगा आपका डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाई टू इंच टू ओमेगा वन एंड प्लस इसका अपने एक्सिस के अबाउट फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब ये जो वेलोसिटी है ना, ये अच्छा ये आर ओमेगा वन ही रहेगा, क्लियर दिस वन, क्योंकि ये जो डिस्क है छोटा वाला डिस्क वो इसकी पेरीफेरी पे अटैच है, अब पेरीफेरी इसके अबाउट सर्कल मोशन कर रहा है तो आर ओमेगा वन ही रहेगा, हाँ इसका ओमेगा ये हो जाएगा। तो अब इसके अबाउट आई ओमेगा, तो मास एम है, तो इस डिस्क का आई इसके अबाउट ये बनेगा एम आर बाई टू का होल स्क्वायर एम आर स्क्वायर बाई टू इन टू नेट ओमेगा, ये बनेगा ओमेगा वन प्लस ओमेगा प्लस, अब इसके सेंटर का इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम वो बनेगा एम भी, भी बनेगा आर ओमेगा वन इंस टू आर, एम भी आर यही है, एम आर भी इतना। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद जो ओमेगा वन आएगा ना दैट विल बी माइनस ओमेगा अपन 13, तो इससे इसको करेक्ट नहीं बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग इनकरेक्ट, दिस इज इन करेक्ट, इसको बोलेंगे इनकरेक्ट, ये बेसिकली इनकरेक्ट है बाई मिस्टेकली, गलती से बच्चे ने गलती की, मतलब बाई मिस्टेक बोल सकते हो, बाई मिस्टेक बोल सकते हो, बच्चे से एक मिस्टेक हुई। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आएगी जीरो बराबर। अब देखिएगा ये ओमेगा वन बाई टू, यहां से आएगा ओमेगा वन बाई टू और यहां से आएगा अगेन ये ओमेगा वन, इसके साथ बनेगा थ्री ओमेगा वन बाई टू और ये बनेगा ओमेगा बाई एट, एक टर्म आ गया ओमेगा बाई एट एंड प्लस एक और आएगा ओमेगा वन बाई एट, एक और आ गया ओमेगा वन बाई एट। अब यहाँ पे आपने चार से उड़ा कर दीजिए, यहाँ पे चार, तो चार तीन बारह एक तेरह, तो ये बन गया 13 ओमेगा वन बाई एट प्लस ओमेगा बाई एट, इट इज जीरो, वट इज ओमेगा वन, इट इज माइनस ओमेगा अपान 13, तो अगर इसको मॉड से कंपेयर करवा दो ओमेगा अपान एन से तो व्हाट इज एन, तो एन इज 13, तो उन्होंने 13 आंसर दे दिया। बट ये बाय मिस्टेकली स्टूडेंट के साथ एक मिस्टेक हो रहा है जो उस चीज को पकड़ रहा है, ठीक है। बट अब प्रॉब्लम ये है कि इस बच्चे ने कोई कॉन्सेप्ट गलत नहीं लगाया,
इस बच्चे ने कोई कॉन्सेप्ट को गलत नहीं लगाया, लगाया तो सही है, सारा कुछ सही किया, बट गलती से समझ गया कुछ और। तो अगर गलती समझ गया तो कभी कभी जेई एडवांस वाले क्या करते हैं ना, इस चीज को रियलाइज कर लेते हैं, ठीक है, कि हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पे ये लिखा होता कि स्मॉलर डिस्क रोटेट विथ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो उस बच्चे से मिस्टेक नहीं होता। तो अगर आईआईटी वालों ने इस चीज को रियलाइज कर लिया कि बच्चे से मिस्टेक नहीं होता अगर मैं ग्राउंड फ्रेम में लिखा, बच्चे ने मिस्टेक इस वजह से कर लिया कि हमने क्वेश्चन को उतना अच्छे से क्लियर नहीं किया, हालांकि क्लियर ये भी है क्वेश्चन, क्लियर तो ये भी हकीकत है कि क्वेश्चन भी क्लियर है बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट केस, ये भी क्लियर है, लेकिन बाई चांस किसी बच्चे के दिमाग में गलती आ गई तो जेई वाले क्या करते हैं ना इस केसेस में बच्चे के को एडवांटेज देते हैं, कभी कभी देते हैं, कभी कभी देते हैं। तो जेई वाले अगर इसको एडवांटेज दे दिए तो फिर इसका आंसर वो क्या करेंगे, तो फिर मतलब करेक्ट क्या है, पहले बात करेंगे एक्चुअल में करेक्ट क्या, तो करेक्ट है एन बराबर 12, करेक्ट है। इनकरेक्ट क्या है, तो कायदे से इनकरेक्ट है एन बराबर 13, बट जेई वाले क्या करेंगे, जेई वाले क्या करेंगे, 12 को तो हर हालत में आंसर देंगे, बट अगर वो थोड़ी सी बच्चे के साथ सिंपैथी दिखाते हैं तो क्या कहेंगे, ऐसे कहेंगे 12 और मतलब 12,13 ऐसे लिख ले, मतलब हकीकत में 12 सही है, सच्चाई की 12 सही है, बट वो मतलब समझ रहे मैं क्या लिख रहा हूं, मतलब जी या तो ऐसे लिखेगा, या तो लिखेगा आंसर वैसे देगा, जी वाले क्या देंगे, या तो 12 लिख देंगे या उनका आंसर ऐसे हो सकता है 12 या 13, ऐसे हो सकता है, तो जेई वाला इस काम को कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपका आंसर क्या है और आप मेरी बातों से एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बट अगर वो, हाँ अगर वो इसका आंसर 13 कर देते हैं, 12 नहीं देते हैं, तो मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा, चैलेंज करना पड़ेगा, और आपका चैलेंज वो लोग मानेंगे भी और उनको मानना भी चाहिए, ठीक है, कि अगर 13 सही तो 12 क्यों नहीं सही है, 12 तो सही है इसलिए सही है, 13 तो नहीं सही है फिर भी आप उसको सही मान रहे हैं, ठीक है, वो हल्का से बच्चे के मिस्टेक को आप अवॉइड कर रहे हो, करो, ठीक है, ओके। तो देखिए ये क्वेश्चन जो थे वो कॉपी, एक्चुअली में जे एडवांस के क्वेश्चन जो होते हैं ना, कुछ क्वेश्चन तो जरूर जे एडवांस अपने इंजीनियरिंग मैकेनिक से कॉपी करता है, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग एक और प्रॉब्लम है जिस पर हम लोग आते हैं और इसका डिस्कशन करते हैं।